फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो HAL में वैकेंसी आई हुई है ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, उसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको किस तरह से फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले नॉर्मली आपको एक सिंपल गूगल ब्राउज़र ले लेना होगा, उस पर आप लिखोगे HAL रिक्वायरमेंट 2019 और कुछ ऐसा पोर्शन आपके सामने खुल कर आएगा और पहले ही ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तब आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्शन खुल कर आएगा। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं और फिर आप यहां पर नीचे आ जाएंगे लिंक में और यहां पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने नीचे जो पोर्शन है खुल कर आ जाएगा। सबसे पहले आप इसमें अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये काला निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी ट्रेड यहाँ खुल कर आ जाएगी। ट्रेड खुलने के बाद मैंने फीटर सेलेक्ट किया है, मैंने आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखें दोस्तों, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मैंने यहाँ पर एक नेम सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पर फिल किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपना कमेंट में नंबर आप हमें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, आप सिलेक्ट द कैटेगरी, अपनी कैटेगरी फिल कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो सारी कैटेगरी खुलकर आ जाएगी। तो मैंने इसमें ओबीसी सिलेक्ट किया है। अब आता है आपका सिलेक्ट द जेंडर, मेल, उसके बाद आपका रीजन हिंदू, वेदर द एक्स और इसमें नो, और वेदर द हैविंग पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो मैंने नो कर दिया। अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे और फिर उसमें उसकी डेट भर दोगे। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ द कैंडिडेट, ओपन कैंडिडेट अप्लाई ऑन द एग्नेस्ट, आपको उसको क्लिक कर लेना है। या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी सैनिक छावनी में, तो मैंने यहाँ पर ओपन कैंडिडेट लिखा है। ठीक है दोस्तों, वेदर द फिजिकल चैलेंज्ड, क्या आप हैंडीकैप्ड हो, तो मैंने यहाँ पर नो किया है। अगर आप हो तो यस कर दोगे, तो फिलहाल तो मैंने नो किया है। नेचर ऑफ द फिजिकल कैंसल्ड, ये तो आपका खुद ब खुद फिलअप हो जाएगी, इससे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर का फिलअप करते ही। वेदर द एक्स अप्रेंटिस ऑफ HAL, अगर आपने पहले HAL में अप्रेंटिस की हुई है तो यहाँ यस कर देंगे, अगर नहीं की है तो नो कर देंगे। सिलेक्ट द डोमिसाइल स्टेट, चूँकि ये मैं जो कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो यूपी का है, तो आप जिस कैंडिडेट से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ पर भर लेंगे। अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, मैंने एक बंदे का यहाँ पर किया हुआ है। ईमेल आईडी भी मैंने यहाँ पर एक फिलअप की हुई है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने बंदे की फिलअप कर दी है। एज एवन मतलब इस तारीख तक वो बंदा इतने साल का हो जाएगा, ये आपका खुद ब खुद फिलअप हो जाएगा। आर यू सिंकिंग एज इलेक्शन, क्या आप एज में छूट चाहते हैं, मैं तो नहीं चाहता हूँ, जिस बंदे का मैंने भरा है उसको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप यस कर दोगे। यू आर द डोमिसाइल ऑफ द जम्मू कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र रखते हैं, अगर रखते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद प्लीज़ प्रजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो नो नॉट एप्लीकेबल मैंने यहाँ पर भरा है। मैं यहाँ पर आपको फ्लिप करके दिखा देता हूँ, ये आ गया पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, नो एप्लीकेबल मैंने यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, पासवर्ड प्राइवेसी, आप इसके लिए कोई पासवर्ड भर देना है, 8 अंकों का पासवर्ड कोई भी भर दोगे, मैंने एक पासवर्ड भरवाया आपको भर लेना है। ठीक है दोस्तों, 8 अंकों का कोई भी पासवर्ड। एंटर द सिलेक्ट द कोड, ये सब करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर ऐसे सबमिट कर दोगे। अब आपके सामने एकदम से ये क्लिक आएगा, आर यू श्योर सबमिट योर फॉर्म, क्या आप श्योर हो जो आपने फॉर्म भरा है वो सही है। उसके बाद ये 2-3 अट्रैक्शन है पढ़ लेना है, फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक किया, नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पर ये खुलकर आ गया। अब इसमें आप अपनी डिटेल्स को पहले एक बार देख लेंगे, नीचे कुछ फिल करना है वो बाद में मैं आपको बताऊँगा। ये डिटेल्स सब देख लेने के बाद आप यहाँ पर नीचे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपकी साइड डिटेल्स आपके सामने आ चुकी, तो जो आपका री पासवर्ड था उसको आपको दोबारा से यहाँ पर फिलअप करना होगा। देखिए, ये पासवर्ड आपको यहाँ पर ऐसे फिलअप कर लेना है, जो कैप्चर कोड है आपको यहाँ पर भर लेना है। मैंने कैप्चर कोड भर दिया और फिर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सबमिट पर। और फिर जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं सबमिट पर, तब आपके सामने फिर से अट्रैक्शन पढ़ने के लिए आएंगी, इसको पढ़ लेना है और फिर दोबारा से यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आपके सामने अब मेन पोर्शन नेक्स्ट जो है ये खुलकर आएगा। देखिए दोस्तों, ये खुलकर आ चुका है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सेव द पासवर्ड, तो आपको उसे सेव कर लेना है, फिर आप की मर्जी है नहीं भी कर सकते हो, दोबारा भर लेना है। देखिए, मैसेज मेरे पास आ चुका है IMP, सबसे ऊपर आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं IMP पोस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा आ चुका है। अब क्या करना होगा, एप्लीकेंट लॉगन। ठीक है दोस्तों, अब जैसे फ्रेंड्स मैसेज आने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पासवर्ड, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पासवर्ड से किया हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, पासवर्ड फिल कर देंगे, सिक्योरिटी कोड ऐसे फिल कर देंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं,
फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने मेन पोर्शन आएगा, आपको अपनी यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी। देखिए आ चुका है वेलकम ऑन, लॉग आउट करना चाहते हैं लॉग आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे कैसे फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फादर्स नेम लिखेंगे, नाम के सामने मिस्टर आदिश्री आपको नहीं लगाना पड़ेगा। फिर अपना मदर्स नेम लिखोगे, मेटेरियल स्टेटस आप शादीशुदा हो या फिर नहीं, यहाँ से क्लिक कर लेना है। उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरोगे, ठीक है, जैसे कि आपका विलेज, पोस्ट, आपका कस्बा, आपका शहर, आपका टाउन, ठीक है। फिर अपना विलेज भरोगे, उसके बाद आपकी सिटी, फिर आपका स्टेट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका पिन कोड। ये सब फिलअप कर लेने के बाद यूँ कह रहा है इफ़ कोरस्पोंडेंस या परमानेंट एड्रेस सेम, तो ट्रिक, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना पड़ेगा। ये मैंने टिक करके आपको दिखा दिया। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करोगे, उसका विलेज, फिर आपका सिटी, फिर आपका स्टेट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड। उसके बाद आपकी नेशनलिटी जो कि इंडियन होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th क्लास बोर्ड यूनिवर्सिटी का उसका नाम, और उसका 10वीं क्लास का आपका रोल नंबर, ईयर ऑफ द पासिंग और प्रजेंट यानी कि 3 डेसीमल, ठीक है दोस्तों। आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर अपना 10वीं क्लास का परसेंटेज, 12वीं क्लास का परसेंटेज, उसका बोर्ड, 12वीं क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर और 12 क्लास में परसेंटेज कितना रहा वो। उसके बाद ITI NTC ट्रेड फीटर से जॉब मैंने आपको शुरू में भर के दिखाया था, उसके यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसका इंस्टीट्यूट नेम, उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर, परसेंटेज यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेटस जैसे कि मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद NAC इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है आपने, उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, NAC का रोल नंबर और रोल नंबर रिक्वायरमेंट, यानी कि ये आप जब भरोगे आपको खुद पता लग जाएगा। पासिंग ईयर द रिक्वायरमेंट और उसमें आपका परसेंटेज कितना था, ठीक है दोस्तों। फिर आपका अगर आपने डिप्लोमा से फिलअप कर रहे हो तो अपने डिप्लोमा की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दोगे। जैसे आप ITI करोगे ऐसे ही आपको डिप्लोमा की करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो अब आपको इंजीनियरिंग के इसमें जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। ऐसे इंजीनियरिंग का रोल नंबर, इंजीनियरिंग का पासिंग ईयर, इंजीनियरिंग का परसेंटेज, एनी अदर और अदर इंस्टीट्यूट से किया है तो उसका भी, और अदर रोल नंबर और पासिंग ईयर और परसेंटेज। अप्रेंटिसशिप डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर लिखोगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखोगे, फ्रॉम डेट कब से कब तक आपने किया है अप्रेंटिसशिप यहाँ पर लिखोगे, अप्रेंटिसशिप फॉर द रिक्वायरमेंट टू डेट यानी कब से किया है, फ्रॉम से और टू मतलब कब तक किया है, अप्रेंटिसशिप टू रिक्वायरमेंट ट्रेड किस ट्रेड से किया है, जो कि आपकी फीटर मैंने पहले आपको बताइए भरी है, अगर आपकी अलग होगी तो आप उसे अलग भर लोगे। डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रोल ऑर्डर इफ़ एनी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपने ये कह रहा है कि इंट्रोलॉजिकल ऑर्डर इफ़ एनी, तो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने किसी एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिसीजन फॉर्म कब से कब तक था, पे स्केल या ग्रोथ पे आपका उसमें क्या था। अगर आपका नहीं है तो आप इसे नो कर दोगे, आपके सामने ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको नहीं भरना होगा। रीजन ऑफ द लिविंग और आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन डेट और आपका पे स्केल, रीजन ऑफ द लिविंग छोड़ने का कारण क्या था, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, उसका भी डेट में पे स्केल आपका होगा। ये अलग अलग ट्रेड के हिसाब से सभी का अलग अलग है, जैसे इंजीनियरिंग का अलग, डिप्लोमा का अलग, ITI का अलग, ठीक है दोस्तों। टोटल एक्सपीरियंस आपका क्या था वो आप यहाँ पर इसमें फिलअप करोगे। अपलोड द फोटोग्राफ्स, अगर आपने अपना फोटोग्राफ्स बनाया जो मैक्सिमम 40 KB का और मिनिमम जो होगा 15 KB का होगा, जो कि GPG फॉर्मेट में होगा, चूज़ फाइल कर लेंगे यहाँ से तो आपके मेन गैलरी में खुलकर चले जाएंगे, वहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। अपने सिग्नेचर का फोटो खींचकर आप जो कि 20 KB से मैक्सिमम होगा और 10 KB मिनिमम होगा, JPG फॉर्मेट में होगा, यहाँ पर चूज़ फाइल करोगे आपकी मेन गैलरी में चला जाएगा, वहाँ से अपने फोटो को यहाँ पर उठाकर ला सकते हो। अटैच टू द NCTP सर्टिफिकेट, अपने सर्टिफिकेट का फोटो भी आपको ऐसे खींच कर इसमें आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर आपका अटैच NTC हो जाएगा और चूज फाइल के नाम से आप यहाँ से अंदर जाकर उसे निकाल सकते हो, अपलोड हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको ऐसे ही अपलोड करना पड़ेगा और फिर आपको डिक्लेरेशन पर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना पड़ेगा। अब आप सबमिट द एप्लीकेशन करोगे, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद इससे आगे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फ़ीस जमा करने का है, अभी फीस का बंदा कोई नहीं है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको आपके पास जो सबमिट हो जाएगा उसका प्रिंट आउट आप इसमें सेव कर सकते हो। प्रिंट आउट सेव करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा और फिर आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपका फ़ीस का पोर्शन खुलेगा। जो फीस आपको जमा करनी है आप क्रेडिट बैंक से कर सकते हो,
आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे, अपनी नाम भरोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी फीट और ट्रेड, 200 रुपये का अमाउंट, और उसमें अपने पिन कोड, जैसे भी खाते से आप करोगे, किसी भी तरह करोगे, उसकी डिटेल अंदर सेंड करोगे और वहाँ पर सबमिट कर दोगे, आपकी फीस जमा हो जाएगी। फाइनल प्रिंट को आप मोबाइल में सेव कर सकते हो। इस तरह से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।